नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है लेट सी इनसाइट यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है विजय। तो आज के वीडियो में मैं आपको बहुत बढ़िया सा सर्किट बना के दिखाऊंगा, लेकिन उसके पहले आप अभी देख रहे हो कार, क्योंकि इसी से रिलेटेड सर्किट है। तो जैसा कि ये कार है, एक आपको पता ही है, और इसमें कुछ लाइटिंग का सिस्टम होता है। जो इसकी एक बेसिक लाइट होती है वो इसकी होती है रूफ लैम्प, जो कार में होता है, जिसको रीडिंग लैम्प भी कहते हैं। तो उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा, तो आप वो देखिएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से मैं आपको दिखा देता हूँ, जो आप देख सकते हो रूफ में इस प्रकार का एक लाइट होता है और उसमें एक स्विच होता है। ये स्विच में तीन प्रकार के स्विच होते हैं। स्विच के अंदर एक तो ऑन का होता है और एक ऑफ होता है और एक डोर से रिलेटेड होता है। तो जब आप डोर ओपन करते हो तो लाइट ऑन हो जाता है, जब आप डोर क्लोज करते हो तो लाइट ऑफ हो जाता है। ये जब होता है जब आप स्विच को डोर वाले मोड पर रखते हो। तो अभी फ़िलहाल स्विच जो है वो डोर वाले मोड पर ही है, तो जब मैं दरवाज़ा ओपन करूँगा लाइट ऑन हो जाएगा और ऑफ हो जाएगा। तो ये सब कुछ इस स्विच के कारण होता है। आप देखा होगा ये स्विच जो दिख रहा है, जो आपको दिखा रहा हूँ, इसी स्विच से लाइट ऑन ऑफ होता है। तो जब ये, तो हम इसी प्रकार से कुछ सर्किट बनाने जा रहे हैं। तो इस सर्किट के लिए इस वीडियो में मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में तीन तरह के, मतलब तीन पार्ट में ये वीडियो डिवाइडेड है। और एक आपको एक वो भी चीज़ बताऊंगा जिसमें आपने कार में ध्यान से देखा होगा कि बल्ब जब ऑन होता है तो बिल्कुल स्लोली ऑन होता है, जब ऑफ होता है तो वो भी एकदम स्लो ऑफ होता है, तो एकदम सॉफ्ट लाइट होता है। तो इस प्रकार से कुछ कंपोनेंट लगेंगे, मैं आपको स्क्रीन पे इनके वो डिटेल दे दूंगा, जो भी कंपोनेंट की डिटेल है। ये एक एलईडी है, मैंने इसमें 10 वाट की एलईडी ली है जो 12 वोल्ट से चलती है। इसमें हम NPN ट्रांजिस्टर कनेक्ट करेंगे जिसका नंबर है 547, और इसके बाद में कैपेसिटर कनेक्ट कर लेंगे। और ये कैपेसिटर का जो नेगेटिव वाला एमिटर से कनेक्ट करना है, जो पॉजिटिव वाला है वो ट्रांजिस्टर की बेस वाली पिन में कनेक्ट करना है। तो जो कैपेसिटर है ये 470 माइक्रोफेराइड के आसपास है, और ये हम रजिस्टर कनेक्ट कर लेंगे। तो जो रजिस्टर और कैपेसिटर है यही इसकी जो लाइट ऑन होगा तो एकदम स्मूथली ऑन होगा, धीरे से ऑन होगा, और जब ऑफ होगा तो भी धीरे से ऑफ होगा। तो ये कैपेसिटर और रजिस्टर का एक कॉम्बिनेशन होता है, उस हिसाब से है। तो आप इनका कॉम्बिनेशन थोड़ा बहुत चेंज करके आप इसकी लाइट का टाइमिंग भी चेंज कर सकते हो। जैसे आपको ज़्यादा देर तक लाइट चालू करना हो तो कैपेसिटर की वैल्यू बढ़ा दो, और रजिस्टर जो रजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू आप कम ज़्यादा करके इसकी लाइट की टाइमिंग ऑन में कितनी देर तक, ज़्यादा देर तक ऑन रखना है, और ऑफ में कितनी देर तक, ज़्यादा देर तक, मतलब जिस प्रकार से उसका लाइट है। जैसे अभी मैंने ऑन किया था तो एकदम स्लो से ऑन हुआ था, और जैसे ही ऑफ किया था तो एकदम स्लोली ऑफ हो गया था। तो जहाँ मैं ये रजिस्टर का जो एक सिरा है और दूसरा जो पॉजिटिव वाला जो पॉइंट है, मतलब जो रजिस्टर का जो पॉइंट है और जो ये, इसके बीच में आप स्विच कनेक्ट कर सकते हो। जैसे ये मैंने कनेक्ट किया, ऑन हो गया है, इसको हटाया तो ये ऑफ हो गया है। तो इनके बीच में आप स्विच कनेक्ट कर सकते हो, और ये आपका एक बिल्कुल सिंपल लाइट बन जाएगा, जिसमें ऑन करते समय बिल्कुल धीरे से चालू होगा और ऑफ करते समय बिल्कुल आराम से सिस्टमेटिक तरीके से ऑफ होगा। मतलब उसकी जो लाइट है वो एकदम सॉफ्ट हो गई है, एकदम से ऑन नहीं होगी झटके से, और एकदम झटके से ऑफ नहीं होगी। तो ये बिल्कुल सिंपल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट था, लेकिन इस वीडियो में इतना सिंपल भी नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जो सर्किट मैंने आपको कार में दिखाया था, मतलब जो लाइट मैंने आपको कार में दिखाई थी कि दरवाज़ा खुलते से बंद वगैरह, तो ये जो स्विच है, ये देखो, ये स्विच उसी प्रकार से स्विच है जो कार में लगा था, जो मैंने आपको कार में आखिरी में बताया था, जो दरवाजे के पास में स्विच था, तो वो यही स्विच है। तो ये स्विच आपको मार्केट में मिल जाएगा, 10-15 रुपये का आ जाएगा। और इसमें तीन पॉइंट दिए हुए, एक कॉमन है और एक नॉर्मली क्लोज और एक नॉर्मली ओपन है। जब इसमें वायर कनेक्ट करते समय मैंने आपको, जहाँ पे मैंने वायर कनेक्ट किया वो मैं आपको बताऊँगा। और एक ये स्विच जो होता है तीन पॉइंट वाला स्विच जो कार में लगा था बल्ब के पास में, तो उस ये स्विच में भी ऑन ऑफ और डोर वाला सिस्टम हम करेंगे। तो इस प्रकार से इसमें तीन पॉइंट है, वायर कनेक्ट करने के बिल्कुल सिंपल है। और एक एलईडी ले रखी है, जो आपको पता ही है कौन सी एलईडी, 10 वाट की एलईडी ले रखी है। अधिकतर वीडियो में आपको यही एलईडी देखने को मिलती है। तो ये इस प्रकार का सर्किट आप कहाँ पर यूज़ कर सकते हो, एक बात तो ये है। तो ये आप घर में यूज़ कर सकते हो, ऑफिस में यूज़ कर सकते हो, जो फर्नीचर होते हैं फर्नीचर के अंदर जो डोर होते हैं वहाँ पर आप इसका यूज़ कर सकते हो। अब वो आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है कि आप उसका किस ढंग से उपयोग कर सकते हो, कितना बढ़िया तरीके से उपयोग कर सकते हो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं आपको एक सर्किट बना के बता रहा हूँ बहुत बढ़िया सा, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और दोस्तों को ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि इस वीडियो की कॉपी भी बहुत होने वाली है यूट्यूब पर, क्योंकि अभी मैं वीडियो अपलोड करूँगा, उसके बाद बहुत से यूट्यूबर्स की कॉपी करेंगे और वो अपने हिसाब से बना देंगे वीडियो, और उनका वायरल भी हो जाता है, लेकिन मेरा वीडियो वायरल नहीं होगा, मुझे पता है। तो इस प्रकार से हम स्विच में वायर कनेक्ट करेंगे, जो हमारा जो स्विच है इसको लिप स्विच भी कहते हैं। तो ये स्विच के जो दो वायर मैंने निकाल के रखा है, एक ब्लैक कलर का वायर है, एक ब्लू कलर का वायर, तो एक आपको कलर कोड समझ में आ जाए, उस प्रकार से मैंने दोनों अलग अलग कलर में वायर लिए, ज़रूरी नहीं कि आपको यही लेना है। और जो स्विच में है उसको कनेक्टर से भी आप कनेक्ट कर सकते हो, उसकी एक पिन आती है, कनेक्टिंग पिन आती है, उसका यूज़ कर सकते हो। डायरेक्ट आपको सोल्डर नहीं करना, मेरे पास नहीं था तो मैंने स्विच में डायरेक्ट सोल्डर कर लिया है। तो स्विच में भी आप देख सकते हो
कॉमन में एक वायर जुड़ा हुआ है और एक नॉर्मली ओपन में, नॉर्मली क्लोज में मैंने वायर जोड़ रखा है, नॉर्मली ओपन मैंने ओपन ही रहने दिया है, उसका कोई काम नहीं है। और इसके बाद में ये हम LED कनेक्ट कर लेंगे इस प्रकार से। इसमें स्विच के ऊपर भी निर्भर करता है, अभी जो आप स्विच देख रहे हो बिल्कुल बेसिक स्विच है, इसमें वायरिंग इस प्रकार से मैंने करी है, तो इस प्रकार से जो अभी फंक्शन करेगा मैं आपको दिखाऊंगा किस प्रकार से फंक्शन होगा। तो ये हमना हमारा ये सर्किट है कनेक्ट हो गया, ये सर्किट अभी बिल्कुल सिंपल सर्किट है, तो इसमें मैं इलेक्ट्रॉनिक वाला सर्किट जो हमने पहले बनाया था वो भी कनेक्ट करेंगे। वीडियो थोड़ा बड़ा है लेकिन ये वीडियो के अंदर कंटेंट भी जो है ना बहुत सारा है, तो आप ये देखिए कि इसमें जो आपको जो नॉलेज मिलने वाला है ना वीडियो में बहुत ज़्यादा है, तो इस प्रकार से वीडियो भी बड़ा हो गया है। मैंने कोशिश करी थी कि जितना छोटा हो सके वीडियो बनाऊं। अभी मैं इसमें कनेक्ट कर देता हूं 12 वोल्ट का पावर सप्लाई, ये पावर सप्लाई मैंने कंप्यूटर के SMPS से 12 वोल्ट जो होता है वो वाला पावर सप्लाई लिया है। तो इस प्रकार से हमने कनेक्ट कर दिया है। अब आप देखिएगा कि जैसे हम स्विच को ऑन करते हैं, इसमें तीन मोड है, पहला ये ऑन किया तो ये स्विच सिर्फ ऑन ही होगा, आप इसका इसमें इसका ये जो लिप स्विच का जो स्विच है ना उससे कुछ भी नहीं होगा क्योंकि ये ऑन हो गया है। और बीच में इसको करूँगा सेंटर में तो ये ऑफ हो जाएगा और ये इसका स्विच से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब एक स्टेप और उसको लेफ्ट की तरफ लेता हूँ तो ये जो है ना अब ये स्विच पे काम करेगा, तो पूरा कंट्रोल है आपके पास। आपको बल्ब को इस मोड पे करना हो स्विच वाले मोड पे तो आप इसे स्विच वाले मोड पे भी कर सकते हो, जैसे आपने ये कोई सी अलमारी में लगा रखा होगा तो जैसे ही आप अलमारी का डोर क्लोज करोगे तो ये बल्ब बंद हो जाएगा और जैसे ही अलमारी का डोर ओपन करोगे तो बल्ब ऑन हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हो कि आपको इसको ऑफ रखना है तो आप इसको सेंटर में रख के ऑफ रख सकते हो, लेकिन आप चाहते हो कि इसको आपको हमेशा ऑन ही रखना है तो स्विच को राइट की तरफ करेंगे, जो ब्लैक वाला स्विच है उसको राइट की तरफ आप करोगे तो ये बल्ब बिल्कुल ऑन ही रहेगा, ऑफ नहीं होगा। तो ये आपके पास पूरा कंट्रोल है, आपको स्विच को ऑन रखना तो ऑन रखिए, ऑफ रखना तो ऑफ रखिए, और ऑटोमेटिक मोड पे रखना हो तो आप उसको ऑटोमेटिक मोड पे भी रख सकते हो, जो हमारा लिप स्विच है वो उसको ऑन ऑफ करेगा। तो इस प्रकार से बेसिक सर्किट था, बेसिक वायरिंग थी, लेकिन हम इसमें अब वाला सर्किट जोड़ने जा रहे हैं जो मैंने आपको सबसे पहले दिखाया था, बिल्कुल सॉफ्ट लाइट का, जो ऑन होते समय स्लोली ऑन होता है और ऑफ होते समय भी बिल्कुल स्लोली ऑफ होता है, बड़ा ही सुंदर लगता है, कैमरे में इतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा है लेकिन आप उसको खुद बनाओगे और उसको टेस्ट करोगे तो इसका मज़ा ही कुछ और है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये LED निकालना पड़ेगी। आप भी मुझे बता, आपको आप देखो इसमें जैसे हम कनेक्ट कर रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज करके आप भी सोच सकते हो कि मैंने कैसे कनेक्ट किया होगा, तो वीडियो में तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे मैंने कनेक्ट किया। तो इस प्रकार से जो रजिस्टर का जो वायर था वहाँ पर और जो LED का पॉजिटिव वाला है वहाँ के बीच में हम इसको कनेक्ट करेंगे। जो हमारा ये वायरिंग वाला स्विचों का जो सर्किट है ना, जो मैंने दो स्विच का सर्किट बनाया, ये सिर्फ स्विच करता है ऑन ऑफ करने में, उसके बीच में लिप स्विच लगा रखा है और ये 3 पॉइंट वाला स्विच लगा रखा है। तो ये 3 पॉइंट वाला जो स्विच है ना, ये आपको ये एक पुरानी जो टार्च आती थी किसान टार्च, उसके अंदर का स्विच है, मैं आपको बता देता हूँ, नहीं तो आप मार्केट में ढूंढोगे तो आप कैसे क्या बोलोगे, इसका नाम मुझे भी नहीं पता है। तो ये तो मेरे पास बहुत पुराना रखा था स्विच, जो टार्च में लगा हुआ आता था, 3 पॉइंट वाला स्विच है ये, तो इस प्रकार से आप यूज़ कर सकते हो। तो ये वायरिंग पूरी कंप्लीट हो गई, अब इसमें हमको पावर सप्लाई कनेक्ट करना है, तो पावर सप्लाई कनेक्ट करना भी बहुत ही आसान है। तो पॉजिटिव वाला आपको वायर आपको LED के पॉजिटिव में कनेक्ट करना है, और पावर सप्लाई तो हमारा वही है 12 वोल्ट का पावर सप्लाई है, तो यहाँ पर आपको कनेक्ट करना है, यहाँ पे पॉजिटिव कनेक्ट करना है, यहाँ पे नेगेटिव वाला आपको ट्रांजिस्टर की नेगेटिव वाली पिन में कनेक्ट करना है, मतलब ट्रांजिस्टर की एमिटर वाली पिन में कनेक्ट करना है। और जो रजिस्टर जो मैंने कनेक्ट किया ना वो कैपेसिटर की पॉजिटिव में कनेक्ट किया है, लेकिन वो भी ट्रांजिस्टर की बेस पिन में कनेक्टेड है, आप ध्यान से देख सकते हो। तो इस प्रकार से हमारा ये सर्किट बिल्कुल कंप्लीट हो गया, अब हम इसको चेक करते हैं। तो अभी तो बिल्कुल ऑन कंडीशन में है, तो ये ऑन है, स्विच का कोई मतलब नहीं, ऑन मतलब ऑन, वो जो लिप स्विच है वो ऑफ नहीं करेगा उसको। अब ये ऑफ मोड है, देखिए दोस्तों मैंने इसको ऑफ करा, बिल्कुल स्मूथली ये ऑफ हो रहा है, धीरे धीरे बिल्कुल ऑफ हो जाएगा, ये ऑफ हो गया है। अब इसमें भी जो लिप स्विच है वो ऑन ऑफ करने पर ये ऑन ऑफ नहीं होगा, एक बार देख सकते हैं, ये देखो मैं इसको ये स्विच को कुछ भी कर रहा हूँ नहीं हो रहा है, लेकिन अब मैंने इसको स्विच वाले मोड पर कर दिया, लिप स्विच वाले मोड पर कर दिया, ये ऑटोमेटिक चलेगा, तो बिल्कुल इसमें भी एकदम स्मूथ चल रहा है, इसमें भी कोई ऐसा नहीं है। आप चाहो तो आपके ऊपर निर्भर है कि आपको कैसा क्या बनाना है, बिल्कुल सिंपल बनाना है तो इसके जो सेकंड नंबर वाला जो सिस्टम था जो मैंने वीडियो में बताया था आप वैसा ही बना सकते हो, या तो फिर आप इसमें ऐसा सर्किट जोड़ के भी बना सकते हो, एकदम स्मूथ लाइट जिसमें चलती है ऑन ऑफ बिल्कुल स्मूथली होता है, तो आप ये कर सकते हो, तो आपके ऊपर निर्भर करता है। इस वीडियो में मैंने 3 प्रकार से आपको एक ही सर्किट को, मतलब 2 सर्किट है इसमें और मैंने इसका बहुत अच्छा सा कॉम्बिनेशन बना के बताया है आपको। तो आपको कैसा लग रहा है वीडियो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा।
आपको कैसा वीडियो लगता है, अच्छा लगे तब भी आप अच्छी कमेंट कीजिएगा, नहीं लग रहा तब भी आप मुझे आप सजेशन दे सकते हो कि ये पसंद नहीं आया आपको, जो भी हो, लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। यदि वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को इसी वक्त आप शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप के जरिए, जैसा भी आप उन तक वीडियो पहुँचा सकते हो तो वीडियो के लिंक आप उनको सेंड कर दीजिए। नहीं तो मुझे पता है कि अभी दूसरे जो यूट्यूबर है जो मेरे वीडियो देखते हैं और कॉपी मारते हैं तो वो कॉपी ज़रूर कर लेंगे और वो वीडियो वायरल भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों ये वीडियो था, आप मुझे बताइएगा कि आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक करना भूलिएगा नहीं। तो दोस्तों अगले वीडियो में जल्द से जल्द मैं अगला वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा और ये वीडियो में बस इतना ही, आपने ये वीडियो देखा उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।